केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। Thank you.
today by the doctor of self-realization. No function would be success without the blessing of Almighty Allah. Let us seek His blessing. I call upon our master, Sayyid Hasni of class 4, to lead the prayer.
जनरल मोहम्मद तबरेज साहेब ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आई वेलकम यू सर। कौन नाम बोल रहे हैं? नाम डाल को नहीं और क्या मैं बोल रहा हूं खबर फोन नहीं और क्या मैं बोल रहा हूं हमारा नाम जी मैडम involving
to make this Colors Day as a successful event in school. The 75th Independence Day was celebrated theme as Azadi Ka Amrit Mahotsav with a great enthusiasm on 15th August 2022. The school campus was beautifully decorated with balloons to commemorate the day. The program started by hosting the flag and national anthem. The culture program was also held. Some students performed. Scholastic and co-scholastic activities have an equal importance in school. Programs for all around development of the child, keeping this in view, the fancy dress competition was held on 29th October 2022 in the state culture of each state. Society places too much emphasis on people having professions, yet different professional plays a vital role in the society. To include the preventative hard work and duty, students are dressed up with a professional culture to explore great learning experience on the character that they despise. Karnataka Rajyot Sabha was celebrated on 1st November 2020. Parents, please give a big round of applause to all the winners. Akifan Jun of Third Standard.
Thank you.
मेंटल पुअर इतने सब सहूलत नहीं थे, तब तबके जो थे तकलीफ के दिना गवर्नमेंट स्कूल आ वहाँ पढ़ेगी। आज जो बच्चे पढ़ रही है हमारे टीचर बहुत ही अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी तो हमें कहाँ से सीखने वाला था। आज जो हमारे तबरे और सहारा गुरु मंजे के हमारी फैमिली रुकी हुई है, जब से भी किसरे से स्कूल उस्मानिया ब्लॉक से शुरू करें हर चीज में तबरेज और उनकी फैमिली हर चीज में मशवरा करको। मैं बोलने जाता था उनको, एक दिन ये स्कूल पूरे मैसूर में कर्नाटक में एक नामदार होते तबरेज भी, बहुत अच्छा तुम्हारा मैनेजमेंट और तुम्हारी पूरी फैमिली जो मिलकर मेहनत करती है, देव हमारे खाना पूरे हरे साड़े हम पहले बैठे ना एवर ग्रीन हो एवर ग्रीन कभी है। आज अल्लाह फजल से किसरे से शुरू हुई थी ये उदयगिरी राजू नगर और बहुत बड़े ख्याल आता नहीं अल्लाह ये ग्रुप को हिम्मत और ताकत सब दे दे। आज हमारे पास तो सब चीज है, खासकर हमारे कौम में शुरू से फिक्र क्या था जगह तो हमारे लोगों में एजुकेशन कम करके बोल, आज नहीं वो, आज वो बात नहीं है। हमारे अज्ञान हमें नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को पढ़ाना इल्म सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया में। जैसा कि इंसान को सेहत जरूरी है वैसा चिल्म जरूरी। आज मैं अब्जर्व करते रहता हूँ बहुत से छोटे से छोटी फैमिली भी आज अच्छे गार्मेंट में पढ़ा को हमारे बच्चों को एजुकेशन देना, हमारे बच्चे भी चार आदमे में एक उठने बैठने वाले बनना, उनके माँ बाप खाब देखती मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना अच्छा एक इंसान बनना। जैसा कि हमारा दीनी तालीम जरूरी है पैसा चार्ज की दुनिया में, आज के जमाने में दुनियावी तालीम भी होता जरूरी है। आज हमें कौन से फील्ड में भी आगे है निकल को जारी ज्यादा से ज्यादा इल्म के तरफ ख्याल देना। अब हमें क्या करना बोले तो कौन पढ़ को क्या करने का है करने की बात चलेगी। हमारे बच्चे भी आज मासूम बच्चे देखते थे इतनी बड़ी मेहनत करती है तो मैं लोग समझ गया रहेगा इतना जल्दी है बच्चा में इतनी खूबी आ गई है इतने अच्छे प्रोग्राम बच्चे कर रही। इसके पीछे टीचर्स और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मेहनत रहती है। तुम्हें मेरी स्पीच सुनने से ज्यादा तुम्हारे बच्चा का प्रोग्राम देखने भाई कोई इंस्टाग्राम मुझे वो भी मालूम ज्यादा व्यक्ति लेना नहीं चाहता ठीक है। बोले तो वो मासूम बच्चे मैं भी अध्ययन जाना था वो बच्चे का प्रोग्राम देखता भाई और एक प्रोग्राम देखो हमारा बचपन याद आ रहा हमारे टाइम सब ऐसे स्कूल आ ऐसे टीचर ऐसे सहारा स्कूल के सर के हमारे तबरेज भी रहते तो हमें भी रहते। आज हमारा बचपन याद आ गया आज हमना सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है। तबरेज भी की मेहनत की मैं क्या तारीफ करूँ कि शुरू से देख ले करो एक छोटी स्कूल वो भी उस्मानिया ब्लॉक एरिया में वो टाइम पर रोडा भी ढंगे नहीं थे। मैं वादा करता था तबरेज भी तुम्हारी स्कूल आ गई है वो एरिया भी डेवलप होता है। आज अच्छा कॉन्क्रीट का रोड है आठ आठ दिन को उनको वहाँ गली जाके से बात करता है अच्छा एरिया भी अच्छा स्कूल भी अच्छा। मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कभी तुम्हारे बच्चे अच्छे हो ना करके बोले तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट जरा उनके साथ तपे लोग मीटिंग को जाना मीटिंग को जाकर उनके साथ बैठ को बात करना हमारा बच्चा कहीं पा रहा है क्या हमारे तरफ से क्या करना वो पूछ को तुम्हें लोग तुम्हारे बच्चा का फ्यूचर बनाए तो इतने मासूम बच्चे जो बैठी अल्लाह किसके तकदीर में क्या लिखो है मालूम नहीं कौन की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है कौन की प्रधानमंत्री बन सकता है कौन की IAS ऑफिसर बनता है कौन की कमिश्नर बनता है वो फ्यूचर बनाने की उम्र का प्रत्येक तो ये उम्र तुम्हारे बच्चे की जो उम्र है। अब मैं भी तुम्हें स्कूल को जाकर क्या भी बन नहीं सकते मैं हमें तुम्हें पढ़ नहीं सकते हमें नहीं पढ़े और टाइम को सहूलत नहीं थी इंशाल्लाह ना सहूलत है हमें घर बनाने का नको प्रॉपर्टी बनाने का नको हमारी प्रॉपर्टी कौन सी करके बोले तो हमारे बच्चा को अच्छा इलम देखो एक अच्छा शहरी बना ले तो हमारी आज की बहुत समझना तुम्हें बहुत जगह बहुत आस्तियां बनाती जरा अखलमंद अज्ञान क्या करती है तो आस्ती के तरफ ख्याल देती नहीं बिल्डिंग बनाने के ऊपर ख्याल देती नहीं 15 से 20 साल उनके बच्चों को अच्छा इलम दिया ले तो उन्हें DC भी बनता है कमिश्नर भी बनता है इंजीनियर भी बनता है डॉक्टर भी बनता है
ऐसे स्कूल के वास्ते हमें लोग तभी अज्जू ब्रदर्स पूरी टीम हमें साथ ही कवरेज भी किया। ये स्कूल आईंदा आने वाले दिनों में ये कॉलेज बनेंगे मैसूर में और इनकी मेहनत का फल अल्लाह देता है कि क्या खुशी होती है तो ना किसके के ऊपर डिपेंड हो को नहीं पूरी इनकी फैमिली में इनको मेहनत करते हैं। कवरेज भी क्या हमारे बाबा गुनो हो उनके भावना पूरे मिलकर जो मेहनत करती है ये एक ताकत है। बाहर की ताकत अलग रहती है जैसा अज्जू ब्रदर्स का तो हमें चार भाई हम इनको क्या होना तो नहीं करती है मिसाल नहीं थी वैसा तुम्हारी फैमिली एजुकेशन लेवल में जो करी है बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये स्कूल को और तरक्की कर दे तुम्हारी पूरी टीम को और पूरे पेरेंट्स ऐसे अच्छे बच्चे पढ़को आईंदा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में नामदार इंसान बनने की अल्लाह पूरी सहूलत देते। तब्रेज भी तभी कौन सा प्रोग्राम हुआ तो मुझे बुलाती कांगा तक बुला लेके थी देखिए एक बार वो डीसीआर के ग्राउंड में प्रोग्राम करे स्कूल का कौन भी नहीं करते इतना इंटरेस्ट से पैसे तुम्हें फीस दे डालते होगा बड़े बड़े नामदार मैसूर के जो इंस्टीट्यूट आई इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऐसा एक बार जगनमोहन पैलेस लेना एक बार बन्नी मंडप में एक बार ऐसा सारा जो इनका एग्जीबिशन चलता हुआ ये जरूरी है कि को बोले तो हमारे बच्चों को हमें आज क्या देखो जा रही वो जरूरी कहते हुए मंजर दो बात करने का जो मौका दिया है पड़को नहीं बटे को सहारा स्कूल नहीं थी है सबके ने खा लिया हमारे नहीं भी मारना वैसे भूल के नहीं हुई हमें मालूम है सबके ने खा लिया हमारे सब खा लिया मार डाले समझ में आई जरा बोलना जो को हमारे दोस्त बोले ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ही नहीं ही देखो नहीं ही बहुत से की कदम अभी शर्म की बात नहीं मंजे समझ में नहीं आया शर्मा ले रही मैं उर्दू स्कूल में पढ़ाया तो सर इवतु जगनमोहन प्यालेस बंदीरा आनुअल डे सहारा स्कूल इधर बेन इष्टपड़ी सर सहारा स्कूल आनुअल डे ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸದೃಢರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಸನವಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಾ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. भाई अज्जू ब्रदर्स के सहारा से जुड़े हुए हैं. आज जो हमारे जगनमोहन पैलेस में प्रोग्राम है एनुअल डे इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? सलाम वालेकुम. सबसे पहले बहुत खुशी होती है जो सहारा स्कूल केसरे में एक छोटे इससे शुरू करके आज तब्रेज भाई उनकी पूरी फैमिली इतने बड़े मुकाम पर लग गई. तब्रेज बिल का हमारे एरिए की तरफ से तहे दिल से अज्जू ब्रदर्स की पूरी टीम शुक्रिया अदा करती है. बच्चों का जो टैलेंट देखे तो बहुत खुशी होती है. आइंदा अब भी बड़ी होना हमारी फिक्र है. तब्रेज भाई को मई अज्जू भैया सब बोले तुम एक सी एस सीट को अप्लाई करो. आइंदा जो आने वाली गवर्नमेंट में हमें भी रिकमेंड कर को ऐसे स्कूलों की बहुत ज़रूरत है. आज बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ क्या कहते हो एजुकेशन. हर खानदान में एक एजुकेटेड होगा तो उन्हें पूरे खानदान को ले लेको चलता है. मैं तब्रेज भाई को मई अज्जू भैया सब बैठ को बात कर को जो ऐसे चीज़ों को जो हमारे दूसरे गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टियाँ हैं ऐसे चीज़ों को दिए तो वो सही जगह यूज़ होती है को बोलते हुए बहुत खुशी हुई. आज अज्जू भैया अंदर ही बैठी हैं. अभी मुझे एक रत्ती काम था हमारे दोस्त शिव कुमार जो मैसूर के मेरी उन्होंने भी आए थे उन्होंने भी आपको बहुत खुश हुए. इतने अच्छा मैनेजमेंट है ना घर को स्कूल का भी उतना अच्छा मैनेजमेंट है. कम का तो 8-10 साल से चल रही नहीं क्या दसवां साल है. 10 साल से आज तक पिन बराबर भी हमारे मोहल्ले में ये स्कूल के रिलेटेड आज तक भी हम एक पेरेंट्स के तरफ से कंप्लेंट सुने नहीं. और एक बार पूरी एज्जू ब्रदर्स की टीम के तरफ से तब्रेज भाई को उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ. मुबारक हो सर. एज्जू ब्रदर्स से आपकी टीम जुड़ी हुई है सहारा स्कूल इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ है, सहारा स्कूल से मैं चेयरमैन में इसका। तो एक्चुअली क्या है, हमें छोटे पैमाने में स्कूल स्टार्ट करें और अजू ब्रदर्स रंदे और हमारे मैं रहने वाला भी केसरे का चे मतलब वहाँ से चिता सो। तो हमारी क्या कोशिश थी तो हमारे केसरे के आदमी रंदे हमारे मुसलमान जो भी हैं ज़रा एजुकेशन में अच्छे होने के लगे मकसद जो था ये था। तो इसमें क्या है तो हमें 10 साल हुआ, ये 10वां साल का एनुअल डे कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है तो अभी माशाल्लाह सभी मोहल्ले से रंदे और हमारे राजूनगर से रंदे, हमारे उदयगिरी से रंदे, हमारे केसरे से रंदे बहुत सपोर्टेड है हमारे स्कूल के वास्ते और हमारे कॉर्पोरेटर्स भी रंदे उन्होंने सब हमने अच्छा सपोर्ट कर दी। इस वजह से हमने और भी दिल को यह होता है कि और भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा करेंगे, अच्छा से अच्छा स्कूल को बढ़ाना और अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना का लोग हमें मकसद है सो। और हमारा और दूसरा क्या भी नहीं, और अजू ब्रदर्स से हमारा जो है एक फैमिली जैसे हमारे फैमिली जैसा इनोच मतलब सपोर्ट हमारा साथ भी है और इंशाल्लाह और आगे भी हमें इंशाल्लाह इनसे भी हमें मदद मतलब सपोर्ट लेना चाहती कि आगे स्कूल्स बढ़ाने के वास्ते। तो अच्छा सर, आज जो प्रोग्राम के बारे में आज जो सबको इन्वाइट कर रहे थे, किस किस को चीफ गेस्ट बनाते थे? चीफ गेस्ट हमारे मेयर साहब आए थे, शिवकुमार साहब आए थे चीफ गेस्ट थे और हमारे समीउल्लाह साहब कॉर्पोरेटर हमारे केसरे के उन्होंने भी आए थे, अजू भाई भी आको ही और एक हमारे कमिश्नर इन्होंने भी हमारे सेल टैक्स कमिश्नर उन्होंने भी आको थे। अभी अंदर प्रोग्राम देख रही हूँ उन्होंने, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा से अच्छा प्रोग्राम होना अगर को मैं ये करूँ इंशाल्लाह अच्छा होता प्रोग्राम। सर ये कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? ये एक्चुअली जो है 5 बजे का प्रोग्राम था, ये ज़रा लेट होगा, एक आधा घंटा लेट हुआ, इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह अभी 9:30-10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। सहारा स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे एक्चुअली 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, एक केसरे में, एक उदयगिरी में, एक कैसे और एक राजूनगर में। तो 3 ब्रांचेस रहने की वजह से हमारा जो है प्रोग्राम हो रहा है। तो आगे भी और दूसरे भी एरिया में हमें ओपन करना करके प्लानिंग करके ही इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर को मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ पे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बात जुड़े रहे, शुक्रिया। शुक्रिया।